हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के 10 सबसे बड़े शहरों के बारे में। यह सबसे बड़े शहर आबादी के हिसाब से है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर है धुबरी शहर। यहाँ की आबादी 63,388 है, ग्रोथ रेट 79.51% है। यह शहर पश्चिमी असम में बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्तरी तट पर बसा हुआ है, जहाँ भारत का सबसे लंबा पुल धुबरी फुलबरी ब्रिज बन रहा है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है डिफू शहर। यह पूर्वी कार्बी आंगलंग में है। यहाँ की आबादी 63,654 है, जबकि ग्रोथ रेट 18.02% है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है तेजपुर सिटी। यह शहर असम के जिला शोणितपुर में आता है। इस शहर की आबादी 1,02,505 है, जबकि ग्रोथ रेट 82% है। यह शहर ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्तरी किनारे बसा हुआ है। यहीं से अरुणाचल प्रदेश के लिए लाइन अलग हो जाती है। नंबर 7 पर है तिनसुकिया शहर। यह शहर पूर्वी असम के सबसे आखिरी भाग में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। यह शहर तिनसुकिया जिला में आता है। नई तिनसुकिया जिला का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। शहर की आबादी 1,26,389 है, ग्रोथ रेट 89.65% है। नंबर 6 पर है बंगाईगांव शहर। इसी नाम से पूरे जिला का नाम बंगाईगांव है। बंगाईगांव शहर असम का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जहां बहुत सारे कारखाने के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रेल इंजन वर्कशॉप भी है। न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन बंगाईगांव शहर में ही स्थित है, जो किसी नदी पर बना हुआ भारत का एकमात्र स्टेशन है। यहाँ की पॉपुलेशन 1,39,650 है, जबकि ग्रोथ रेट 91.42% है। नंबर 5 पर है नौगांव शहर, जो नौगांव जिला में स्थित है। ये शहर असम के बिल्कुल मध्य भाग में वाकई है। पॉपुलेशन यहाँ की 1,46,621 के साथ यहाँ की ग्रोथ रेट 87.42% है। चौथे नंबर पर है जोरहाट शहर, जो जोरहाट जिला में स्थित है। हाट का मतलब है बाजार। नदी के दोनों किनारे बसा हुआ दो शहरों को आपस में जोड़ दिया गया, तो जोरहाट हो गया। ये शहर SMS लैंग्वेज का मुख्य केंद्र है। मरियानी टी गार्डन इसी जोरहाट जिला में आता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आइलैंड को जोरहाट जिले से ही अलग किया गया है। जोरहाट सिटी की आबादी 153,889 है, ग्रोथ रेट 91.82% है। नंबर 3 पर है डिब्रूगढ़ शहर। यह शहर ब्रह्मपुत्र रिवर के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ शहर डिब्रूगढ़ जिला का मुख्य है। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी के बाद असम का सबसे प्रमुख शहर है। असम के दर्जनों ट्रेनों की जर्नी यहीं से शुरू होती है। डिब्रूगढ़ के उत्तर में स्थित धेमाजी जिला से जोड़ने के लिए बोगीबिल ब्रिज इंडिया का सबसे लंबा, जबकि एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल का ब्रिज है। डिब्रूगढ़ की आबादी 154,296 के साथ ग्रोथ रेट 89.15% है। नंबर 2 पर है सिलचर सिटी, जो कि कचार जिला में आता है। यह शहर आबादी के हिसाब से असम का दूसरा, जबकि असम बराक वैली का एकमात्र सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की मुख्य जबान बंगाली है। सिलचर से आप मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। सिलचर की आबादी 229,136 है। यहाँ की ग्रोथ रेट 91.05% है। नंबर 1 पर है गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी शहर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। गुवाहाटी शहर उत्तर पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख शहर है, जिसे सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सिटी ऑफ टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। सरायघाट ब्रिज भारत के सबसे पुराने लॉन्गेस्ट ब्रिजेस में से एक है। यह शहर कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला में आता है। गुवाहाटी शहर की आबादी 11,35,065 है, ग्रोथ रेट 91.12% है।